नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां सर्व समाज विकास मंच एवं जन कल्याण विकलांग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम जी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए इन लोगों को 20 तारीख को जाना था, लेकिन प्रशासनिक देखरेख में इन्हें नज़रबंद कर लिया गया है। इनके घर पर ही प्रबंधक और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों को नज़रबंद किया गया है। आइए संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं महोदय, पूरी जानकारी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? भाई कमलेश राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज विकास मंच विकलांग संघ। अभी आपने 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपने दो बोगी ट्रेन कृषक एक्सप्रेस में मांगे थे, और आज पुलिस भी आपको नज़रबंद आज ही से कर दी आपको, और जो आपके प्रबंधक हैं राम विजय चौहान जी को, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, प्रबंधक राम विजय चौहान के घर भी, हमारे घर भी पुलिस सुबह से लगी। आज मुझे कहीं जाना नहीं था, यह हम लोग पूरे पदाधिकारियों की, जो मेन पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं की बैठक थी, लेकिन वहाँ शिव मंदिर पर जखनिया सभी लोग उपस्थित हो रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे घर पे जो है नज़रबंद किया गया है। यह SDM साहब का 2-3 बार फोन आ चुका, और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के सम्मान में कार्यक्रम को देखते हुए SDM साहब के आदेश पर जो मुख्यमंत्री जी के शरण में अपनी समस्याओं को लेकर के जाना था, वह समस्या हम लोग अनिश्चित काल के लिए टाल दिए हैं, और SDM साहब ने यह आश्वासन मुझे दिया है कि सभी विभाग के अधिकारियों को 22 तारीख को बुला करके हम बैठक करेंगे और बिंदुवार सबका निस्तारण करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम जो है कहीं भी जाने के लिए आप जो है बाध्य होंगे। तो आपने जो 20 जुलाई को कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिए हैं? हाँ, 20 जुलाई को जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है SDM साहब के आदेश पर मोहन भागवत जी के सम्मान में। कल का कार्यक्रम है, वहाँ हम भी जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, इसलिए कार्यक्रम 20 तारीख का टाल दिया गया है, अनिश्चित काल। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी करें। धन्यवाद।